असलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर सहावत यूट्यूब चैनल च। दोस्तों अज असा एल रिसीवर ठीक करना वे, मसला इन वह कि मैं पावर देना वा एन फाल्ट आया वे कि रेड लाइट से रुकया हो वे। बस ये इन फाल्ट है, अस इन खोलां दे चेक कर दें जी की फाल्ट है। इनका मैं कुछ सब तो पहला कवर ला लवा, कवर ला के फिर असं कुछ साफ करने हैं, साफ करके तो फिर सप्लाई भी चेक करा दे कि साड़ा सप्लाई का मसला वे कि कोई और फाल्ट आ रहा वे। साफ कर लूँगा फिर चेक करने सप्लाई उन्होंने पावर दे दी है, इसने सप्लाई चेक कर ली है कि साड़ी सप्लाई च फाल्ट है कि कोई और मसला आ रहा कि साफे का मसला आए। मैं ग्राउंड ला ली है, सब तो पहला मैं 5 वोल्ट सप्लाई चेक करना वा, साड़ी 5 वोल्ट सप्लाई बिल्कुल ठीक है, साड़ी 15 वोल्ट सप्लाई भी ठीक है, यानी साड़ी 21 वोल्ट सप्लाई भी साड़ी ठीक है। साड़ी सप्लाई बिल्कुल ठीक आ रही है, 3.3 वोल्ट चेक कर लें, 3.3 वोल्ट भी ठीक ने, 1.8 वोल्ट भी साढ़े ठीक ने, 1.1 वोल्ट वेख ली असी, साढ़े 1.1 वोल्ट जी मसला आ रहा, 1.1 वोल्ट साढ़े नहीं ठीक आ रहा है, साढ़े जो 1 वोल्ट बन रहा है वो साढ़ा नहीं बन रहा है, इनका फाल्ट आ रहा है। मैं खाना भी हाँ कि मसला भी चेक करने की फाल्ट आ रहा है, साड़ा इतने साढ़े एक पॉइंट एक बनता है, साड़ा इतने साढ़े 1.1 वोल्ट चाहिए, काफ़ी गर्म है आई सी, आई सी काफ़ी गर्म हो, आई सी नहीं खराब है, अस आई सी चेंज करने हैं। फिलहाल मेरे को आई सी पे नहीं है, असं एक जगाड़ लाने वो वेख लगे असं कड़ा जगाड़ लाने, पहला मैं आई सी कट लाऊँ बच्चे बहर, फिर तुम जगाड़ भी खाने असा बच्चे कड़ा जगाड़ भी लाना, मेरे को आई सी पे नहीं आया है, यह पहला मैं बच पट लवा जो आई सी लगी है, उस तो बाद फिर असी एंच 1.1 वोल्ट सप्लाई बनाने, ऐसा एक डायोड लाना वे, यह डायोड एक असी डायोड फिट करना वे, तो फिर अस कनैक्शन बनाने खाने सकें कनैक्शन किया वे, पहला डायोड असा जो 1.8 वोल्ट जो सप्लाई बनती है और 1.8 वोल्ट की उत्ते कनैक्शन करना वे, जो साढ़े 1.8 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, असी यह डायोड उत्थ लाने असा जंपर करना वे, एक मैं डायोड का कनैक्शन कर लवा, तो फिर असं इतने एक तार जंपर भी करने खाने जैसा किस तरह करके जंपर किया, मैं डायोड ला लिया वे, असं अंदर एक तार थन जन जोड़ने ऐसा इतने कोयल ना इतने जंपर कर दिता वे, फिर इतने कोयल लगी असने जंपर कर देना, साड़ा 1.1 वोल्ट सप्लाई साड़ी बन जानी है, सन तकरीबन 1 वोल्ट लैके 1.5 वोल्ट तक सप्लाई मिलती है तो बस ठीक है, सानू घट तो घट भी 1 वोल्ट सप्लाई चाहिए होंगी, इतने असी जंपर कर दिता है, हूँ थोड़ी विखाना भी हाँ मैं साफ कर लवा, थोड़ा कनैक्शन भी विखाना वा मैं कि कनैक्शन किया वे, ऐसा कनैक्शन होया मैं कोयलने का कनैक्शन किया वे, तो दूसरी साइड मैं डायोड लाया वे, ऐसा कनैक्शन होया दूसरी साइड मैं डायोड इस्तेमाल किया वे, तो सानू उन्हें 1.8 वोल्ट मैं कनैक्शन किया, एक आउटपुट असा डायोड के थ्रू लैके तो अस अगे 1.1 वोल्ट सप्लाई बनाई है, अंदर कनैक्शन देखने पावर दे के चेक भी करने कि साड़ा मसला निकल गया वे कि नहीं निकलिया है, मैं ग्रिप वगैरह ला लव फिर पावर दें, मैं पावर देन लगा पावर दे दी, अगर साड़ा रिसीवर ऑन हो गया, अगर ऑन लिखी गया वे इंतजार करने कि साड़ा अगे भी आन तो चलता अगे कि आन को रुकया रहा, क्योंकि ऐसा फाल्ट भी आ जाता कि इतने आन को भी रुक सकता वे, असं जरा चेक कर लीए, साड़ा अगर रिसीवर आन हो गया इन्हें लिख दिता है, मैं हम तुम्हारे साथ सप्लाई भी चेक करवाना वा, अगर मैन्यू लिखी गया मैं जरा तुम्हारे सप्लाई भी चेक करवाना वा, साड़ी सप्लाई 1.1 वोल्ट बनी है कि किन्नी सही सप्लाई साड़ी बनी है, मैं ग्राउंड ला लीए असी वेख ली सप्लाई साड़ी कितनी बनी इतने, सर दोस्तों पूरे 1 वोल्ट सप्लाई बनी है, यानी साड़ा पूरे 1 वोल्ट तक सप्लाई है, साड़ा सिस्टम काम कर लग पा वे, सब काम ठीक कर लग पा, रिसीवर ज्ञान हो गया वे, रेड लाइट तो हट गया वे, यानी असं इस तरह करके भी एक फॉल्ट सोल्व कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल सबसक्राइब कर लो, नैक्सट वीडियो एक नया फॉल्ट लैके, खुदा हाफिज़।